हेलो गाइस, दिस इज हर्षित। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो मैं बता दूं कि ये एक टेक चैनल है और इस पर मैं टेक वीडियोस बनाता हूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ऑफ माय एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग फील्ड, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। अभी मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा से ये वीडियोज़ बना रहा हूँ यूट्यूब पर, और मुझे बनाते हुए काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए, लाइक वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, फोटोशॉप सीख लो चाहे प्रीमियर प्रो सीख लो, सब कुछ मैंने सीखा हुआ ड्यू टू दिस चैनल। और ये चैनल ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी मोटिवेट किया है ये चीज़ें सीखने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं बताऊँ तो 22 जून 2021 को जब यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था ना, पूरा एकदम भरा हुआ था भाई, सब लोग केसेस अलग अलग आ रहे थे, 30,000 to 40,000 केसेस पर डे आ रहे थे। तो उस समय यार घर पे जब सब लोग लॉकडाउन में बैठे थे तो यार ये हुआ था कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, पैसे की भी सबको ज़रूरत लग रही थी, और साथ ही साथ हम खाली घर पे बैठे थे तो क्यों ना हम ट्राई करें कोई इंटर्नशिप के लिए, बिकॉज स्किल्स तो हम लोग में थी ही। अब मुझ में स्किल्स थी वीडियो एडिटिंग की, फोटो एडिटिंग की, तो मैंने क्या किया, इंटर्नशाला पे ऐसे भर के अप्लीकेशन डाल दिए, किसी ना किसी कंपनी में डाल दिया कि ये देखो फलाना ढंगाना कंपनी है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी स्टिपेंड था उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। तो लकीली यार एक कंपनी थी जिसका स्टिपेंड था 16,000 to 25,000 रुपये, वो वीडियो एडिटिंग कंपनी थी, और वो थी भाई यूके बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो अब यूके बेस्ड है तो भाई पैसे भी ज़्यादा देगी, उसी हिसाब से काम भी कराएगी होपफुली, तो ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन भाई उनका स्किल सेट भी तो उनको ज़्यादा चाहिए रहता है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा यार चलो फिर भी अप्लाई कर ही देते हैं। लकीली अगर हो गया तो भाई हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर क्या ही कर सकते, अभी भी तो खाली बैठे हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब ऐसे अप्लाई करने से क्या होता है कि भाई तुम्हारे पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, फिर तुम सोचते हो। तो लकीली अगले दिन ही मुझे आ गया यार कि भाई आप इंटरव्यू के लिए इस दिन को आ सकते हैं। आई वॉज रियली सरप्राइज टू यार सोच के वहाँ पर कि आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड, बिकॉज 100-150 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ आई थिंक 20-25 लोगों का ही इंटरव्यू हुआ। तो होपफुली उन्हें यार मेरा यूट्यूब का काम पसंद आ गया होगा, तो ऐसा कुछ सोच के उन्होंने मतलब अप्रूव कर दिया मुझे। तो वहाँ पे यार मुझे लगा कि हाँ लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्यों ना भाई सेलेक्ट होने का ट्राई करते हैं, फुल ट्राई हार्ड करते हैं अपने। और यहाँ पे सेलेक्ट होने का फुल ट्राई किया अपने ने, और हम गए इंटरव्यू में, भाई बैठ गए इंटरव्यू में, अच्छा खासा सेटअप लगाया, लाइट वाइट लगाई, बढ़िया से कैमरा लगा के बस एकदम बैठ गए। ओके, सो मेरा पहला वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैंने कॉलेज तक का इंटरव्यू नहीं दिया था कभी, क्योंकि यार आई वाज इन 3rd ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज और मैंने आज तक कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं किया था, तो दिस दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ तो दे दिए हैं, बट उस समय मेरा दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था, तो यार बहुत ही अजीब टाइप का था, मतलब ठीक है। तो वो इंटरव्यू अच्छा गया, मतलब द पर्सन वॉज वेरी फ्रेंडली, तो जो एक लेडी थी जो इंटरव्यूअर थी ना वो काफ़ी फ्रेंडली थी, तो वो अच्छा गया इंटरव्यू हमारा। और लकीली भाई तुम्हारा भाई सेलेक्ट भी हो गया ना, दैट वॉज रियली एक सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ पे, और मुझे अब मौका मिलेगा 16,000 to 25,000 के एक जॉब में काम करने का, जिसमें मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, जिसमें मैंने आज तक काम नहीं किया है किसी भी कंपनी के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए। अब मैं 16,000 to 25,000 वाली मतलब एक स्टेज में आ गया हूँ, तो ये मतलब मुझे लगा चलो भाई देखते हैं क्या काम होता है। तो मतलब जब मैंने काम करने वहाँ पे गया ना, तो लाइक ये काम जो था ना बहुत ही मतलब आप कह सकते हो ना हार्ड नहीं, ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। और मैं बता रहा हूँ कि कोई भी नॉर्मल सा एडिटर भी हो ना तो वो भी कर लेगा उस काम को, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस मतलब मुश्किल था, मगर आप जब सेलेक्ट हो जाओ ना तो वहाँ पे काम बहुत ही इजी था उनके पास। वो कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक यूके बेस्ड कंपनी थी, काफ़ी मतलब एक स्टार्टअप थी, और यहाँ पे बच्चों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर वो काम कर रही थी, ठीक है। तो उनका आर्टिकल आता है, फिलहाल आई डोंट थिंक कि मुझे नाम लेना चाहिए, उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, इन फ्यूचर तो नहीं लेते नाम, बट कंपनी काफ़ी अच्छी थी भाई, कंपनी में मतलब वेरी गुड पीपल्स, और मतलब वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ के काम भी अच्छे थे, और वो कंपनी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। तो मतलब मैं बोलूँ तो उनके आर्टिकल्स का वो वीडियोस बनता था, वो वीडियोस जाता था उनके वेबसाइट पे, उन्हीं आर्टिकल में लग जाता था। तो ऐसा कुछ काम था, वो यूज़ करते थे ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर आता है एनीमोटो, वो एनीमोटो यूज़ करते थे। एनीमोटो एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन है, वो पेड सब्सक्रिप्शन पे आता है, तो वो आप यूज़ करके अपना वीडियो एडिट कर सकते हो। तो ऐसा वैसा भाई सीन चल रहा था, मैंने काम चालू कर दिया, और काम चालू करने के बाद हम लग गए एनीमोटो पे वर्क करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, स्लो चलता था एनीमोटो, उसके बाद मैंने कुछ फिगर आउट किया, अपना दिमाग लगाया इंजीनियरिंग वाला, और वहाँ से मैंने एक अपनी टेक्निक निकाली जिससे मेरा जो एनीमोटो है वो फास्ट चलता था, बाकी लोग का स्लो चले फास्ट चले मुझे पता नहीं, बट मेरा जो एनीमोटो था वो
बहुत ही क्रिस्टल क्लियर फास्ट चलने लगा। वहाँ पे मेरी एडिटिंग स्पीड बढ़ गई और मुझे 80 रुपये पर वीडियोस के मिलते थे, पर वीडियो एडिटिंग के 80 रुपये मुझे मिलते थे। और मैं पर डे, जब मैंने एनिमोटो को अपने फास्ट कर लिया, मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया 3-4 महीने का, तो मैं पर डे 20 से 25 वीडियोस तक एडिट कर देता था, वो भी भाई 2 से 3 घंटे में ही कर देता था। तो मतलब डैट वॉज वेरी फास्ट और मुझे अच्छे खासे अमाउंट भी मिल जाते थे। तो महीने के लिए मैं 30 से 35 हज़ार के आसपास निकालने लगा था वहाँ से। तो डैट वॉज रियली गुड फॉर मी, बिकॉज थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भाई 10,000, 5,000, 2,000 भी दे दो ना, दैट वॉज रियली गुड, क्योंकि उस समय यार हम पैसे तक नहीं कमाते रहते हैं, कुछ नहीं अपने हाथ में रहता है, तो पॉकेट मनी तो क्या, बहुत सारे खर्चे भी निकल जाते थे। तो वो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था, पैसे काफ़ी ठीक ठाक मिलने लगे थे। बट होता है ना कि हर सूरज जब उगता है तो वो ढलता भी है, तो वही सीन हो गया यहाँ पे भी। और हर सूरज जब ढलता है तो भाई उगता भी है, तो वो भी सीन होता है लाइफ के साथ कि आपको जब आपका जो डाउन फेज आएगा तो आपका अप फेज भी आएगा, जब आप अप पे चले जाओगे तो फिर से आप डाउन आओगे, फिर से अप जाओगे। तो डैट वॉज लाइफ यार, ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पे मेरा जो हुआ वो कोविड के कारण, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद आपको याद होगा कि यहाँ पे रिसेशन आ गया था, काफ़ी सारी कंपनीज से पैसे निकल रहे थे, सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे थे कंपनी से, और यही हुआ हमारी इस कंपनी के साथ भी, इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसे निकाले, ये कंपनी थोड़ी सी मतलब इन्वेस्टमेंट के तरफ कम हो गई और इन्होंने वीडियो एडिटिंग का अपना जो वो है प्रोजेक्ट है वो कम कर दिया, मतलब कि धीमे धीमे कम करते करते ख़त्म कर दिया। और हम एडिटर्स को थोड़े से अलग वर्क पे शिफ्ट किया, निकाला नहीं, अलग वर्क पे शिफ्ट कर दिया, तो मतलब उस पे पेमेंट कम थी, उस पे काम ज़्यादा था, लेकिन हमारा वीडियो एडिटिंग वाला जो बैकग्राउंड था वो उससे मैच बिल्कुल नहीं करता था। तो मैंने सोचा यार अब इसे क्विट करने का समय आ गया है, बिकॉज अब इसमें टिक के कोई फ़ायदा नहीं, स्किल्स तो अपनी डेवलप हो नहीं रही है, साथ साथ अपने जो फील्ड का काम है वो भी नहीं मिल रहा है, तो मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया। तो मैंने करीब 1 साल तक यहाँ पे काम किया और मंथली मुझे जो एवरेज होता था 32-35,000 यहाँ पे देखने को मिल जाता था। और टाइमिंग की बात करूँ तो 2 से 2.5 घंटे में कभी भी काम कर सकता था दिन में, वो उसमें कोई भी एज सच मुझे मतलब बाउंडेशन नहीं था। और पर डे की मीटिंग यार एक फिक्स थी, मीटिंग होती थी हर दिन, और हर दिन मीटिंग करके हम लोग जाते थे। टीम में हमारे 12-13 लोग थे, तो बहुत ही ईजिली काम हो जाता था, बहुत ही फास्ट काम होता था, और बहुत ही फ्रेंडली लोग थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे, मुझे टीम वर्क सीखने को मिला वहाँ पे, मुझे ये सीखने को मिला भाई कि टीम में काम करने के साथ साथ आप दूसरों का कैसे ख्याल रखते हो, दूसरों की हेल्प कैसे करते हो। और वहाँ पे मुझे ये भी सीखने को मिला गाइस कि आपको जो टाइम बाउंडेशन होता है, एक टाइट स्केड्यूल होता है, उसमें कैसे काम करना है, अपने स्केड्यूल्स कैसे बनाने हैं, और अपने आप पे कैसे वर्क करना है, स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली वहाँ से। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहाँ पे सीखने को मिलेगी, बिकॉज आप एवरी डे मीटिंग में जाते हो, मीटिंग में लोगों से बात करते हो, इंटरनेशनल लोगों से बात करते हो, उनकी सोच से कंपेयर करते हो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, अपने खुद के एक्सपीरियंस आप उनसे शेयर करते हो, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक जब आप इंटर्नशिप या किसी जॉब को करेंगे ना, तो आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस सीखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको भी वही जॉब मिल जाएगी या फिर आपको उतना ही स्टिपेंड मिलने वाला है, लेकिन मेरा जो ये बताने का जो रीज़न था ना, वो ये था कि आप कभी भी यार गिव अप ना करिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए। पर डे कभी ना कभी आपका अप्स डाउन्स आते रहते हैं, तो आप उस पर एकदम फ्लो पे चलते रहिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस था खुद का, जो वीडियो एडिटिंग का था, तो मैंने काफ़ी अच्छे मतलब अमाउंट भी बना लिए, साथ ही साथ मुझे काफ़ी स्किल्स भी सीखने को मिली और काफ़ी लोगों से बात करने का मौका मिला, तो नए दोस्त भी मैंने बनाए। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा एक इंटर्नशिप कम जॉब का, इसे आप जॉब भी कह सकते हो, इसे आप इंटर्नशिप भी कह सकते हो, क्योंकि मैं जितना वीडियोज़ एडिट करता था उतने हिसाब से पैसे मिलते थे, तो इस हिसाब से आप फ्रीलांस वर्क भी इसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, सो आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। आगे आने वाली जनरेशन जो भी अगर इस वीडियो को देखने वाली है और जिनको भी पहली बार इंटर्नशिप करना है, तो उन्हें भी बेनिफिट मिला हो यार, थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो कि कैसे आप क्या अप्रोच कर सकते हैं। आपको कभी भी हार नहीं मानी है, अप्लाई करते रहना है, लकीली आपका कहीं भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होने ही वाली हैं। सो दैट्स इट, ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, आपको अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बिकॉज ये सारी चीज़ें ज़्यादा लोग नहीं बता पाते, और साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस सबके साथ नहीं होता है, ये मेरे साथ हुआ लकली, अब किसी और के साथ होगा नहीं होगा ये कुछ कह नहीं सकते, तो ये यूनिक एक एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और इसीलिए मैंने चैनल का नाम टेकी नोट्स से हटा के हर्षित जायसवाल फिर ब्रैकेट में टेकी नोट्स कर दिया था, बिकॉज मैं चाहता था कि आपको कुछ अलग भी कॉन्टेंट दिया जाए जिससे आपका भी मदद हो, आपके लाइफ में स्किल्स इंप्रूवमेंट हो। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप जरूर से मुझे बता सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग से शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, जिन्हें आप इस वीडियो को शेयर करने वाले उनके भी काफी काम आएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी टेक वीडियो में, ऐसी वीडियोज अगर आपको और चाहिए तो आप जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।